और अब बात करते हैं सतना की, जहां बीते दिवस अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस समारोह मनाया गया। देश प्रदेश सहित पूरे विश्व में सरकारें आदिवासियों के लिए कार्यों का ढोल पीटती रहीं। वहीं दूसरी तरफ इसी सरकारी सिस्टम की वजह से एक गरीब बीमार आदिवासी की जान चली गई। सरकारी सिस्टम कितना लापरवाह है इसे इससे समझा जा सकता है कि स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा और अन्य लोगों द्वारा जिले के मंत्री को भी जानकारी दी गई, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। पूरा मामला सतना जिले की मझगवा जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत नरदहा की आदिवासी बस्ती मझगवा हार का है। बीते दिवस शाम को अचानक आदिवासी बस्ती निवासी झुलुआ मवासी पिता केसन मवासी उम्र 30 वर्ष की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद गांव के आदिवासी ग्रामीणों द्वारा गांव के सरपंच राजेंद्र सिंह को सूचना दी, जिस पर सरपंच राजेंद्र सिंह के द्वारा डायल 108 पर मरीज की जानकारी देते हुए वाहन भेजने की मांग की गई। दूसरी तरफ से 2 घंटे के अंदर वाहन पहुंचने की जानकारी दी गई, लेकिन घंटों बाद भी डायल 108 वाहन नहीं पहुंचा। इसी बीच कई मर्तबा ग्राम के सरपंच राजेंद्र सिंह सहित साथ ही स्थानीय निवासी चंदन सिंह के द्वारा भी 108 नंबर पर फोन करके मरीज वाहन भेजने की मांग की जाती रही, तो वहीं दूसरी तरफ से हर बार बस अभी भेज रहे हैं की बात दोहराई जाती रही। इसी बीच स्थानीय निवासी चंदन सिंह के द्वारा प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल को भी पूरे मामले की जानकारी देकर मरीज वाहन को शीघ्र भेजने की गुहार लगाई गई, लेकिन कोई हल नहीं निकला, जिसके बाद आखिरकार दर्द से कराहते कराहते झुलवा के प्राण पखेरु उड़ गए। एक गरीब आदिवासी की जान उस सरकारी सिस्टम के चलते निकल गई, जिस सिस्टम का ढोल बीते दिन देश प्रदेश सहित पूरे विश्व की सरकारों के द्वारा पीटा गया था। क्या इस पूरे मामले की जांच होगी, दोषियों के ऊपर कार्यवाही की जाएगी? शायद नहीं, क्योंकि जिस सिस्टम में संतरी से लेकर मंत्री तक गैर जिम्मेवार बैठे हों, आखिरकार उसकी जांच कौन करेगा? अन्यथा सबसे पहले तो गैर जिम्मेवार मंत्री के ऊपर ही कार्यवाही की जानी चाहिए, जिसके द्वारा जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं किया गया। और अगर मंत्री के कहने के बावजूद भी मरीज वाहन नहीं पहुंचा, तब फिर ऐसे मंत्री का क्या फायदा जो मरीज के लिए एक वाहन तक नहीं पहुंचा सकता। आइए दिखाते हैं विराट 24 न्यूज के लिए सतना से संपत मिश्रा की रिपोर्ट। इसमें मैं 3:30 बजे से फोन करते करते 108 का 108 लगाया 3 बजे, तो मैं पूरा समाचार बताया, सब कुछ लिखाया पढ़ाया, नाव गांव तहसील जिला सब कुछ लिखाया। लिखा के उसने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी मौके में गाड़ी नहीं है, तो आधे घंटे से मैं गाड़ी भेज रहा हूँ। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं। आधा घंटा तक देखता रहा, आधे घंटे के बाद फिर फोन लगाया, फिर यही चीज़ पूछा, फिर मैंने सारी बात बताई, फिर वो उसने यही कहा कि 1 घंटे बाद रुक जाओ, ये गाड़ी मौके में नहीं, 1 घंटे बाद आती। तो मैंने फिर रुक गया, फिर तिवारा शाम जब रात हो रही थी तब फोन लगाया एक बार कि अंत लास्ट समय पर और देख लिया जाए। फिर मैंने अपने सरपंच साहब राजेंद्र सिंह को फोन लगाया, मैंने कहा दद्दा ऐसी बात है कि ये गाड़ी बुलवा दो, ज़्यादा एक मरीज ज़्यादा सीरियस है। तो उन्होंने अपने फोन से अब उन्होंने लगाया, किसी की बात नहीं, मतलब गाड़ी नहीं आई पूरी रात तक। हाँ, पूरी रात गाड़ी नहीं आई, अभी तक कोई गाड़ी नहीं आई। तो स्वयं फिर मैं सुबह अपनी मोटरसाइकिल बाइक से उसको वहाँ तक ले गया, वहाँ दम तोड़ दिया, खेत में 2 किलोमीटर गए और 1.5 किलोमीटर वहाँ दम तोड़ दिया। लगभग कितने बजे दम तोड़ा है? लगभग दम तोड़ा उसने 7:30। हाँ, क्या नाम है मरने वाले का? मरने वाले का नाम झुलुआ मवासी। पिता? पिता कृष्णा मवासी।